CDS विपिन रावत आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू में आम लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कल जो है वो, कल की अगर मैं बात करूं तो CDS विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी के साथ में 12 ऐसे लोग थे जो उस चॉपर में सवार थे, सैनिक सवार थे। और अगर कुल मिलाकर मैं संख्या की बात करूं तो 14 लोग उसमें सवार थे उस चॉपर में, और जिनमें से 13 का निधन हो गया और अभी भी पूरा भारत जो है वो उस गम में डूबा हुआ है। भारत के पहले CDS विपिन रावत, जिनको इस समय अगर मैं बात करूं तो जम्मू में श्रद्धांजलि दी जा रही है और तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से इस समय बहुत ही गम भरा माहौल है, पूरा देश उनको याद कर रहा है। और यहाँ पर ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर कैंडल्स जो है वो जलाई जा रही हैं, फूल अर्पण किए जा रहे हैं उस वीर को जिसने हमारे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए CDS विपिन रावत जाने जाते थे, माने जाते थे। और चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, अपनी आँखों से इस प्रकार से वो बात करते थे कि यकीन मानिए दुश्मन जो है वो भी कतराता था। कितना बड़ा नुकसान जो है वो भारत को हुआ है। और मेरे ख्याल से ये लॉस जो है वो भारत कभी पूरा नहीं कर पाएगा। देखिए ये ऐसी क्षति है इसकी कोई भरपाई नहीं है। हिंदुस्तान का वो सबसे बहादुर और जांबाज फौजी जो है उन्हें खोया है, और उसका दुख जो है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस वीर की जो गाथाएं हैं, जिस प्रकार से जब म्यांमार का हमला हुआ था और ये नए नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, अरे बॉर्डर पार भेज करके जो है जो हमला इन्होंने करवाया था और नक्सलियों को म्यांमार में जाकर के नस्तो नाबूद कर दिया था, इससे पहले देश ने कभी ऐसी घटनाएं देखी नहीं थी। अरे उसके बाद जब उड़ी हुआ, अरे देश जो है वो अंदर से झुंझुड़ गया था। और उसका जवाब उस वीर फौजी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया था। अरे हम सबको याद है वो 14 फरवरी 2020 पुलवामा, अरे 40 हमारे CRPF के जवान शहीद कर दिए गए, बालाकोट के माध्यम से घर में घुस करके मारा। और इतना डर था इनका कि अभिनंदन को द्वार पे आकर के वाघा के माध्यम से छोड़ करके गए। अरे ऐसा वीर, ऐसा जांबाज फौजी, अरे कभी नहीं मिल सकता। लेकिन कम इस बात का है कि किस प्रकार से इस फौजी की जो है शहादत हो गई। मैं ना किसी की तरफ उंगली उठा रहा हूँ, बट एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उनके पूरे परिवार को और सारे हिंदुस्तानियों को देश में दिल में बहुत शांति मिलेगी जब ये पता चलेगा कि किस प्रकार से क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी। बड़ा मॉडर्न हेलीकॉप्टर था, ब्लैक बॉक्स भी उसके अंदर था, फ्लाइट डिटेल्स, फ्लाइट पैटर्न, एयर प्रेशर ऑफ द कैबिन, स्पीड, हाइट एट विच इट वाज फ्लाइंग, क्या चीजें रही वो कृपया करके पता चले कभी, ताकि ये देश कह सके कि नहीं। एक बात यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, देखिए ये लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो सोशल मीडिया पर खुशी मना रहा है, उस वर्ग को क्या कहना चाहे? तुम्हारी घटिया सोच, तुम्हारी घटिया नीति, और ये पता चलता है तुम्हारे घर में तुमको किस प्रकार के संस्कार मिलते हैं। अरे देश ने अपना सबसे जांबाज सपूत को खोया है। इतनी दर्द और इतनी तकलीफ है कि अगर ये दर्द और तकलीफ कभी फट गई ना तो ऐसी सुनामी आएगी, तुम सब बह जाओगे। अरे अपनी घटिया हरकतों को करना बंद करो, और आज के दिन इस प्रकार के घटिया तत्वों के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा। दिल के अंदर बहुत पीड़ा है, दिल के अंदर बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है कि ऐसा जाबाज हमने खो दिया, और देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अरे आंखों में आंखें डाल करके बात करता था। चाइना
चाइना को खुलेआम चुनौती दी थी, अरे तुम हो वो गंदगी इसने पूरी दुनिया को खराब करके रखा है। चाहे वो इनका आखिरी स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है, इन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर वो स्टेटमेंट दिया था जब ये कहा था कि नई लड़ाई जो है वो बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही है, वो बायोलॉजिकल वेपन्स के माध्यम से लड़ी जा रही है, जिसका सीधा हमला उन्होंने चाइना पर किया था। ये बेबाकी थी। ये भी कहा था कि पाकिस्तान को तो हम देख ही लेंगे लेकिन पाकिस्तान से पहले इलाज तो चाइना का करना पड़ेगा, चाइना का करना। अरे यही तो कह रहा हूँ, अरे फौजी था ना, चौड़ा दिल चौड़े सीने वाला था, डरता नहीं था किसी से, और ये कहता था अरे आंखें दिखाओगे तो आंखें नोच लूंगा, प्यार दोगे तो मला डालूंगा। अरे ये थे जनरल बिपिन रावत और ये हमेशा याद रहेंगे, सिर के ताज थे और वो आज सिर का ताज खो दिया हमने। बिल्कुल, देखिए अशोक गुप्ता भी कुछ कह रहे हैं। और अच्छे ढंग से अच्छे वातावरण के अंदर इनका परिवार इस सदमे को सहने का प्रयास कर पाए, इसलिए इस महान आत्मा को महान योद्धा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल से जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है और हम लोग लगातार जो है ये खबर दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग जो है वो भद्दे कमेंट कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं कि इस घड़ी में भी उनको शर्म नहीं है? उड़ी के अंदर पाकिस्तान क्या भद्दे कमेंट करेगा जी, बालाकोट को उन्होंने कहा ये हुआ ही नहीं जी। अब पाकिस्तान के विषय के अंदर इस समय की बात करना मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान का स्टेटस और स्टैंडर्ड जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिलाने का प्रयास करना, और इस बड़ी पुण्य आत्मा के साथ, अरे ये वो आत्मा है जो खड़ा होकर के अगर उधर देखता भी था तो पेशाब निकल जाता था उनका, इस तरह से उनके विषय के अंदर आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे हम अपनी, बात करेंगे योद्धा की, बात करेंगे जाने वाले की, और बात करेंगे उस योद्धा को श्रद्धांजलि देने की। पाकिस्तान आज कोई विषय नहीं है, इसलिए इनको भावहीन श्रद्धांजलि और आत्मा को शांति, और परिवार इस सदमे को अच्छे ढंग से बर्दाश्त करने का मादा रख पाए, और हम अशियों की धारा के अंदर बह करके एक नए योद्धा, इसको इसका स्थान तो कोई ले नहीं सकता लेकिन फिर भी ये परिपाटी है उसको लेने का प्रयास कर पाए, और उनके नेतृत्व के अंदर हम काम कर रहे हैं। बहुत दुखद है यहाँ पर। इस समय अगर मैं बात करूँ तो पूरा भारत जो है, पूरा भारत इस गम में है, और ये तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वीर की तस्वीर है, उस बहादुर की तस्वीर है जिसने देश के प्रति जो है वो अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। और आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, न सिर्फ जम्मू बल्कि पूरा देश जो है वो इस समय गम में डूबा हुआ है, और कल पूरे दिन जब हम आपको खबर बता रहे थे तो यकीन मानिए हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था, और हम तो यहाँ तक कह रहे थे कि उस चौपर में बिपिन रावत ना हो, अगर हो तो पूरा देश उनके लिए दुआ करे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन देर रात लगभग 6 से 6:30 के बीच में एयरफोर्स द्वारा एक मैसेज आता है, और जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने देश के पहले CDS को गवा दिया है, खो दिया है, उनका निधन हुआ। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी संसद में अपनी बात रखी और राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ये एक ऐसा लॉस है पूरे भारत के लिए जो शायद ही भारत कभी पूरा कर पाएगा। लेकिन ये तस्वीर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको, ये तस्वीर देखिए, ये भारत के पहले CDS बिपिन रावत की तस्वीर, और इस तस्वीर को खासकर दो देश कभी नहीं भूल पाएंगे, पाकिस्तान और चाइना। ये वो ऐसे देश हैं जिनकी तरफ अगर बिपिन रावत देखते भी थे तो यकीन मानिए उनकी हालत जो है वो टाइट हो जाती थी। पाकिस्तान और चाइना हिमाकत नहीं कर पाते थे कि भारत की तरफ देखे, क्योंकि इस प्रकार की रणनीति बनाते थे बिपिन रावत कि हर कोई प्रभावित हो जाता था। लेकिन बीती रात हमने एक वीर योद्धा को गवाया है, खोया है, जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और इस लॉस को कोई भी भर नहीं पाता। आप लोग देखते रहिए अली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।